morning, students. So today we discuss the last topic of matrices for the 6 months in the Nagpur University. Clear? So the topic name is the largest eigenvalue. Already we know that is the name is the lambda. Eigenvector is nothing but the x. By iteration methods. So here we have to find out the largest eigenvalue and eigenvector, matlab x, by using the iteration method. By using the सबसे easy topic matrices का यही, only we need the calculator. अगर आपके पास calculator है तो ये 6 mark के लिए आप 5 minutes hardly. 5 मिनट्स में आप ये पूरा कंप्लीट कर सकते हो. अगर ये क्वेश्चन आया तो इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है. ठीक है, तो इसके लिए कुछ याद रखना पड़ेगा. ठीक है, ऑलरेडी वी नो दैट कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, नोट कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स, ऑलरेडी वी नो दैट कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स. सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक? ए माइनस लैम्ब्डा आई, E minus lambda is the characteristic matrix. ठीक है, that is the characteristic matrix. Next one is the characteristic equation. Characteristic equation. What is the formula? Determinant of what? E minus lambda I equal to zero. That already we know that. उसके बाद ये फॉर्मूला तभी था टू फाइंड द आइगन वेक्टर के लिए, टू फाइंड द आइगन वेक्टर के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किए थे आपने? यस, कौन सा फॉर्मूला यूज किए थे आपने? ए माइनस लैम्ब्डा आई एंड दिस इज व्हाट, एक्स इक्वल टू जीरो. ठीक है, ए माइनस लैम्ब्डा आई एक्स इक्वल टू जीरो, इसका ही मतलब मुझे होता अगर ये मल्टीप्लाई कर दे, हाँ ये भी मैट्रिक्स है, ये अंदर गया है तो क्या होगा? ए एक्स माइनस लैम्ब्डा आर एक्स इक्वल टू जीरो. मुझे होता ए एक्स इज द मैट्रिक्स, तो ए एक्स इज द मैट्रिक्स माइनस लैम्ब्डा इज द कॉन्स्टेंट. ठीक है, आई इंटू एक्स इज नथिंग बट दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड दिस इज द एक्स, आई इंटू एक्स इज एक्स, सो हियर लैम्ब्डा एक्स इक्वल टू जीरो. विद द हेल्प ऑफ दिस we know that the a into x is exactly equal to lambda x. That is the formula. ठीक है, that is the formula. कुछ चीजें आपको याद रखना इसके बाद. So ax equal to lambda x is the your relation. आपको जो होता a is the square matrix. ठीक है, x is the eigen vector. तो अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर है लैम्ब्डा इनटू व्हाट, एक्स. लैम्ब्डा इज व्हाट, आइगन वैल्यूज. सो लैम्ब्डा इज आइगन वैल्यू, लैम्ब्डा इज द आइगन वैल्यू एंड एक्स इज द आइगन वेक्टर, एक्स इज द आइगन वेक्टर. इससे कुछ फॉर्मूले बनते हैं, यू हैव टू रिमेम्बर दैट फॉर्मूले. सो व्हाट आर द फॉर्मूले? इसके बाद आपको कुछ कंसिडरेशन करना है. तो विच टाइप ऑफ द कंसिडरेशन इज हियर? ठीक है, नोट इफ ए इज द 2x2 मैट्रिक्स, सपोज ए इज द 2x2 मैट्रिक्स, देन जीरो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ आइगन वेक्टर एक्स. दैट इज द, इसको वैल्यू देंगे हम 1 0. You have to remember this one. You have to remember. That is what? Zero approximation of eigen vector. So we read it as zero approximation of eigen value. We can write in this way. Zero approximation of what? Eigen value. Clear है? तो ये आपको याद रखना है. अगर मान लो
दैट इज द इनिशियल वन. अब रिलेशन नोट नंबर टू, इफ ए इज द 2/2, अगर ये 2/2 अगर मैं सॉरी ए इज द 3/3, ए इज द 3/3, सो आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा, बस इतना याद रखना है आपको, बाकी सब इजी है. कंसीडर ठीक है, इफ द ए इज द 3/3 देन 0 तो अप्रोक्सीमेट ऑफ आइगन वेक्टर इज नथिंग बट द 1 0 0. यू हैव टू रिमेंबर दिस टू फॉर्मूले ओनली. What is the next country? What is the important formula again? For largest eigen value and eigen vector. इसके लिए और important formula क्या है? ये देख लेते हैं. ठीक है? First formula. अगर a x naught है, so we write this one as the formula is the lambda. फॉर्मूला इज द लैम्डा 1 x 1, लैम्डा 1 x 1 दैट इज द फॉर्मूला. ठीक है, सेकंड वन, सपोज ए एक्स 1 इक्वल टू लैम्डा 2 x 2, दैट इज द सेकंड फॉर्मूला. सो दैट इज द इन द कंटिन्यूएशन ए ऑपरेट ऑन द नाउ सेकंड approximate value of eigen vector is exactly what lambda 3 x 3. You have to remember this one only. ठीक है, fourth one, a x 3 third approximate value of eigen vector. Third approximate value of eigen vector. What is the formula? Yes, here this one is what lambda 4 x raised to power 4. ठीक है, in the continuation a x raised to you have angle 4. What is the answer? लैम्बडा 5 x 5, दैट इज द फॉर्मूला. यू हैव टू रिमेंबर, बस हियर यू हैव टू रिमेंबर दिस थ्री बॉक्सेस. यू हैव टू रिमेंबर दिस थ्री बॉक्सेस. ठीक है, ये फॉर्मूले आपको अगर लर्न हो गए तो इजीली वी कैन फाइंड आउट द आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर. आइगन नाउ अगेन आई रिकॉल ए एक्स इक्वल टू लैम्बडा एक्स. व्हाट इज द लैम्बडा? आइगन वैल्यू. व्हाट इज द एक्स? आइगन वेक्टर. नाउ इफ द अगर क्वेश्चन 2/2 है तो व्हाट इज योर कंसीडरेशन? 0 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ आइगन वेक्टर इज 1 0. अगर ए 3/3 है तो एक्स नॉट इक्वल टू 1 0 0. सो हियर वी हैव टू रिमेंबर दिस थ्री टर्म्स. नेक्स्ट, दैट इज अगेन द आई डायरेक्टली रिटर्न. फर्स्ट वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूले एंड इजिली वी कैन फाइंड आउट द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर. सो ए एक्स 0 इक्वल टू लैम्बडा 1 एक्स 1. व्हाट इज लैम्बडा 1? फर्स्ट अप्रोक्सीमेट आइगन वैल्यू. लैम्बडा 2 सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ लैम्बडा आइगन वैल्यू. थर्ड अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू. फोर्थ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ आइगन वैल्यू. फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन ऑफ आइगन वैल्यू. ठीक है, तो इस तरीके से यूज दिस फॉर्मूले फॉर द इटरेशन मेथड. बट हियर एक्स नॉट हमें कहीं ना कहीं स्टार्ट करना है, एक्स नॉट स्टार्ट करना है. तो व्हाट इज योर एक्स नॉट कंसीडरेशन? इफ द ए इज द 2/2 मैट्रिक्स देन यूज 1 0, मतलब 2/1 मैट्रिक्स. इफ ए इज द 3/3 देन ए कंसीडरेशन ऑफ एक्स नॉट इज व्हाट? 3/1. सो दैट इज योर कंसीडरेशन 3/1. ठीक है, तो आपको ये तीन ये फॉर्मूले लर्न करना है और उसके बाद प्रॉब्लम ढो दीजिए. सो वी टेक द 2/2 फर्स्ट. वी टेक द 2/2 फॉर द 6 मार्क्स. फॉर द 6 मार्क्स. ठीक है, एक बार देख लेते हैं.
So, question is find. Find. Question is find eigenvalue. Find eigenvalue. Find the eigenvalue and eigenvector. And eigenvector. Eigenvector. For the matrix. For matrix. For the matrix E. For the matrix E. E is -4, -5, 1, 2. Already this question asked in the summer 2018 for the Nagpur University. For the Nagpur University. So what is the method? What is the method? मुझे तो कितना मैट्रिक्स है. सो मैट्रिक्स इज द 2x2. व्हाट इज योर एक्स नॉट. इनिशियली मैंने आपको बताया था एक्स नॉट क्या लेना है. 2x1 मैट्रिक्स. ठीक है. तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो लिखते हैं सॉल्यूशन. हियर व्हाट इज द गिवन. व्हाट इज द गिवन. ई. व्हाट इज द ई. -4, -5. हियर 1, 2. दैट इज योर 2x2 मैट्रिक्स. सो लेट. सो आई पुट हियर लेट x0 equal to here 1, 0. x0 equal to 1, 0 मतलब 2x1 मैट्रिक्स. दैट इज योर 2x1 मैट्रिक्स. ठीक है. अब यहाँ नंबर ही डालेंगे. नाउ फर्स्ट नंबर. सो आई राइट हियर ax0. क्लियर है. मुझे होता है ax0 की वैल्यू निकालना है. ax0 की वैल्यू कौन सी फॉर्म लिखना है. λ1x. याद है ax2 है ना. ax0 इक्वल टू λ1x1. ax1 इक्वल टू λ2x2 है ना. सो ए ऑलरेडी वी हुई हा. व्हाट इज द ए. यस व्हाट इज द ए. सो आई राइट पुट हियर -4. दिस इज व्हाट -5 एंड दिस इज व्हाट 1, 2. ऑलरेडी वी हैव x0. सो व्हाट इज द x0. 1, 0. ठीक है. सो दिस इज द 2x2 मैट्रिक्स एंड दिस इज व्हाट 2x1 मैट्रिक्स. सो व्हाट इज द आंसर. 2x1 में आंसर आना चाहिए. विद द हेल्प ऑफ द कैलकुलेटर वी कैन इजीली फाइंड आउट दिस वन. या मैन्युअली कर सकते पर कैलकुलेटर इज अलाउ फॉर यूर एग्जाम. सो बेटर वे यूज द कैलकुलेटर. बेटर वे यूज द कैलकुलेटर. सो आंसर ऑफ दिस वन इज. आंसर ऑफ दिस वन इज वॉट. -4 and 1. -4 and 1. यू कैन चेक द आंसर. अब इसके बाद करना क्या है. मुझे होता है ax0 को हमें λ1x1 में लिखना है. ठीक है. तो हमें क्या करना पड़ेगा. यहां से एक काम करेंगे. -4 इज कॉमन. जो फर्स्ट कॉलम का जो एलिमेंट उसको कॉमन. -4 अगर कॉमन अगर हो गया. ठीक है. -4 लो या 4 लो नो प्रॉब्लम. ठीक है. बेटर है पॉजिटिव नंबर इज बेटर. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 एंड दिस इज व्हाट 1/4. दिस इज व्हाट 1/4. आप चेक कर लो. फिर से अंदर डालो तो 4 -1 -4. 4 × 1/4 इज दिस वन. ठीक है. मुझे होता है यहाँ पे क्या आएगा 4. ठीक है. और यहाँ आएगा -1. व्हाट इज द 1/4. व्हाट इज द 1/4. 0.25. मुझे बताओ इज एग्जैक्टली इक्वल टू λ1 and x1. ओके. दिस इज λ1 and x1. अब मुझे बताओ विच वन इज द λ1. विच वन इज द λ1. दिस वैल्यू इज द λ1 x1 एंड दिस वैल्यू इज द λ1. क्लियर है. अब मुझे बताओ इसका यूज करना पड़ेगा नेक्स्ट फॉर्मूले के लिए. ठीक है. सो आई राइट सेकंड नंबर. सो आई राइट द सेकंड नंबर. ठीक है. सो हियर व्हाट ए. हियर व्हाट x1 फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू. अब मुझे बताओ व्हाट इज द ए. व्हाट इज ए. -4 एंड हियर व्हाट -5. हियर व्हाट 1, 2. मुझे बताओ व्हाट इज द x1. व्हाट इज द x1. व्हाट इज द x1. -1 एंड दिस इज व्हाट 0.25. एंड फाइंड आउट द आंसर अगेन. फाइंड आउट द आंसर. ठीक है. तो ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हो. So I directly write here the answer is 2.75 and -0.5. -0.5 वही सेम. यहाँ -4 को कॉमन लिया. अब किसको कॉमन लेंगे हम.
2.75. So what is the answer here? 1. And this is what? -0.5 divided by 2.75. So what is the answer? Here this is what? 2.75. This one is nothing but a 1 minus 0.1818. With the help of the calculator, this one. और क्या हो गया लैम्डा 2 एंड दिस व्हाट x2 अगेन वी नो द x2 सो यहां पे आएगा पहला व्हाट इज द ये क्या हो गया लैम्डा 1 ये क्या हो गया लैम्डा 2 इसको इस तरीके से हमें कंटिन्यू करना है कब तक करना है ये देखते अगर 6 मार्क का है तो कम से कम 6 इटरेशन तो भी हमें लाना पड़ेगा ठीक है या सो दिस वन व्हाट अगेन द नेक्स्ट वन इज द थर्ड यहां पे क्या आएगा a x और क्या आएगा 2 ऑलरेडी वी नो दैट द x2 सो हियर इज एग्जैक्टली इक्वल टू यहां पे क्या आएगा फिर से a इज द कॉमन द मैट्रिक्स a इज द कॉमन ठीक है यहां नहीं दिख रहा मैं ऊपर लिखे था सो नेक्स्ट वन थर्ड वन हियर ए एक्स थर्ड अप्रोक्सिमेट वैल्यू इज एग्जैक्टली टू ऑलरेडी वी नो दैट द ए क्या आएगा -4 दिस व्हाट -5 आर हियर व्हाट 1 2 हियर व्हाट 1 2 क्लियर है अब मुझे बताओ व्हाट इज लैम्डा 2 है ना लैम्डा 2 सॉरी एक्स 2 इज व्हाट 1 -0.1818 सॉल्व दिस बाय यूजिंग द कैलकुलेटर सो वी गेट द आंसर ए एक्स टू है ना दिस व्हाट ए एक्स टू सो व्हाट इज द आंसर माइनस हियर द आंसर इज -3.0908 और यहां आएगा 0.63 638 638 अब मुझे लगा किसको कॉमन लेना पड़ेगा वेस्ट टर्म इज कॉमन पॉजिटिव टर्म तो 3.0908 इज कॉमन सो आंसर ऑफ दिस वन इज अगेन द -1 ठीक है एंड दिस व्हाट 0.20 5888 मुझे बता दिस वैल्यू इज नथिंग बट व्हाट यहां देखो व्हाट इज द फॉर्मूला द एक्स नॉट व्हाट इज द फॉर्मूला द एक्स नॉट ठीक है ए एक्स टू व्हाट इज द फॉर्मूला लैम्डा 3 एंड दिस इज व्हाट x3 सो व्हाट इज द x3 व्हाट इज योर x3 दिस वन इज द योर x3 मतलब हमें x1 x2 x3 ये निकालते आगे में हमें कंट्यूशन में करना पड़ेगा ठीक है नाउ नेक्स्ट वन नाउ अगेन द नेक्स्ट वन नेक्स्ट वन इज द फोर्थ वन यहाँ पे आएगा ए एक्स थ्री ऑलरेडी वी हैव द ए एक्स थ्री यहाँ पे -4 हियर व्हाट -5 हियर व्हाट 1 2 एंड व्हाट इज द एक्स थ्री अभी हमने निकाले सो व्हाट इज एक्स थ्री -1
here 0.2058. Again use the matrix multiplication. Again use here the matrix multiplication AX3. ठीक है, तो मैट्रिक मल्टीप्लीकेशन का आंसर इसका आएगा 2.97 06 है दिस वन जो माइनस 0.58824. सो विस्टम इज कॉमन हियर 2.9706 इज द कॉमन हियर. सो व्हाट इज द रिमेनिंग इज हियर यहां पे आएगा 1 एंड दिस इज व्हाट -0.1980. अगेन वी गेट दिस इज व्हाट लैम्डा 4 एंड दिस इज व्हाट x4. सो अगेन वी कंटिन्यू दिस वन. सो यहां पे आएगा ax4. अगेन दिस वन इज व्हाट -4 हियर व्हाट -5 हियर व्हाट 12. अगेन वी गेट द x4. व्हाट इज द x4 1 हियर -0.1980. अगेन मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको निकालना है. सो हियर द आंसर इज एग्जैक्टली इक्वल टू द आंसर ऑफ दिस वन इज -3.01 एंड दिस इज 0.604. अगेन विस्टम इज कॉमन 3.01 इज द कॉमन. सो आंसर ऑफ दिस वन -1 -1 0.20066. ठीक है, सो अगेन दिस इज व्हाट λ5 एंड दिस इज व्हाट x5. अगेन वी कंटिन्यू दिस वन. अगेन वी कंटिन्यू दिस वन. नाउ द नंबर इज 6. यहां पे आएगा a एंड दिस इज व्हाट x और यहां पे कहेगा 5. अगेन वी राइट हियर -4 -5 हियर 1 2. ऑलरेडी वी गेट x5. सो व्हाट इज द x5 -1 हियर 0.20066. अगेन वी कैलकुलेट दिस वन ax5